एक दो चीजें मैं आपके चैनल के जरिए जनता को कहना चाहता हूँ जी। एक तो ये कोरोना हो जाए तो तुरंत अस्पताल मत दौड़िए प्लीज। आपको थोड़ा सा बुखार है, आपको थोड़ी सी खांसी है या आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, आप पॉजिटिव आ गए, आपने टेस्ट कराया आप पॉजिटिव आ गए, आप अस्पताल मत दौड़िए। जैसे आज अगर कोरोना का आपका टेस्ट का रिजल्ट आता है तो कल या परसों, मैक्सिमम परसों तक आपके पास दिल्ली सरकार से किसी का या तो फोन आएगा और या आपके घर मिलने के लिए कोई आएगा। अगर फोन नहीं होता, मान लीजिए फोन नंबर गलत है, तो आपके घर हमारे डीएम की कोई टीम आती है, वो आपको गाइड करती है, वो आपको बताती है कि आपका घर में इलाज हो सकता है या आपको अस्पताल ले जाने की जरूरत है। अगर आपका घर में इलाज हो सकता है तो फिर आपको और आपके पूरे परिवार को गाइड किया जाता है। और अगले 14 दिन तक डेली बेसिस पे दो बार हमारे यहाँ से डॉक्टर्स का फोन जाता है आपके यहाँ, वो नजर रखते हैं आपकी स्थिति ठीक है या खराब हो गई, आपको फोन नंबर देते हैं कि अगर स्थिति खराब हो जाए फोन कर देना, आपको अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे। जिन लोगों को अस्पताल में जाने की जरूरत होती है उनको अस्पताल में लेके जाते हैं। अब जितने लोगों को हम होम आइसोलेशन कर रहे हैं उनको हम एक ऑक्सीमीटर भी अब 2-3 दिन में हम एक्वायर कर रहे हैं, ऑक्सीमीटर भी दे देंगे। उससे क्या होगा, कोरोना में केवल और केवल एक चीज होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल कोरोना में डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाते हैं आपकी सांस फूलने लगती है, आपको ब्रेथलेसनेस होती है और कई बार आप कोलैप्स कर जाते हैं। ये कोरोना में और कुछ नहीं होता। अगर आप अस्पताल में जाते हैं कोरोना में, आपका केवल दो इलाज करते हैं, आपको ऑक्सीजन दे देते हैं, आपको पैरासीटामोल दे देते हैं, बस इसके अलावा तीसरा कोई इलाज ही नहीं अस्पताल के अंदर। तो आपको हम ऑक्सीमीटर दे देंगे आपके घर में, आप पूरा दिन में 6 बार 7 बार 8 हर घंटे में अपनी ऑक्सीजन नाप लीजिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो आप हमें फोन कर दीजिए, हम एम्बुलेंस भेज के आपको अस्पताल में एडमिट करा देंगे। तो प्लीज अस्पतालों की तरफ मत भागिए। जैसे ही अगर आप माइल्ड पेशेंट हैं, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, तो आप किसी और जो सीरियस पेशेंट हैं उसका हक मार रहे हैं, फिर उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। घर में रहिए, घर में इलाज कीजिए, हम हैं आपका ध्यान रखने के लिए, आपका घर में हम ध्यान रखेंगे।